नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लग्न, धनु लग्न, धनु राशि के जातकों के लिए। विगत वीडियो में ही हमने कहा था कि आपके लिए पितृपक्ष पे एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कृपया इसको ध्यान से सुनिए, समझिएगा, समझ में आए तो अप्लाई करिएगा और फायदा उठाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फिर हमारे साथ आगे की यात्रा करिए। जीवन में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ते उसके मंजिल को देने वाले होते हैं। हमारे जीवन में जीवा एक ही है, जीव एक ही है, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग है। सबका जो पेट है ना, उसकी अपेक्षा रिक्वायरमेंट लाइफ में अलग अलग है। जीव तो एक ही है। उसी तरह आपके जीवन में एक ही रास्ते से आप प्रगति नहीं प्राप्त कर सकते। आपके बर्थ चार्ट में कुछ पॉइंट छुपे हुए हैं, कुछ ऐसी जगह जहां टच करते हुए आपको पासवर्ड मिल जाएगा। आपके लाइफ में, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्यकाल में, तीनों काल में पितरों की एनर्जी से ही आपका जो सिस्टम बना हुआ है वो ओपन होगा। भाग्य जिसको कहते हैं, भूतकाल की शुभ एनर्जी, अगर उसकी प्राप्ति आपको करनी है तब भी पितरों की शक्ति चाहिए। वर्तमान में जीवन निरोगी रहना है, जीवन सुख से चलना है, ठीक है, उसके लिए भी आपको पितरों की एनर्जी चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुंदर हो, आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आपके बच्चे अच्छे निकले, संतान का सुख मिले, तो भी आपको पितरों की शक्ति चाहिए। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत, जो 15 से 16 दिन पितृपक्ष के आ रहे हैं ना, आपके लिए वरदान है। किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन जो अग्नि तत्व तो राशि हैं उनके लिए वरदान जैसे हैं। अब कितने लोग लाभ उठाते हैं इसके ऊपर उनका परिवर्तन होगा। बहुत लोग इस जीवन में प्रातः काल का सूर्योदय ही नहीं देखते, जगते हैं 8 बजे 9 बजे, जबकि दुनिया का सबसे अच्छा लाइट शो है सूर्योदय और सूर्यास्त, परमात्मा के द्वारा फ्री में दिया जाता है। आप देखें, आपके स्टार्ट करते हैं हम भूतकाल से। भाग्य के घर में 5 नंबर की राशि मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता, ठीक। आपके लगन और राशि पे मूल नक्षत्र, स्टार्टिंग कहाँ से, मूल से। भाग्य की स्टार्टिंग मघा से, लगन या राशि की स्टार्टिंग मूला से, एजुकेशन की स्टार्टिंग अश्विनी से। तो भाई, अगर आपकी स्टार्टिंग के बेस तैयार है, पहली सीढ़ी मजबूत है, तो दूसरी सीढ़ी में जाने में कोई परेशानी ही नहीं है, फटाफट निकल जाओगे। बट अगर पहली ही सीढ़ी कमजोर है तो चढ़ोगे गिर जाओगे, चढ़ोगे गिर जाओगे। इसलिए ये जो 15 दिन है इसमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान रहिए। श्राद्ध क्या है, श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म ही श्राद्ध है, ठीक है ना। तो आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान रहिएगा। मैं अगर उसमें विवरण में जाऊं कैसे कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए मेरे से अच्छे बताने वाले यूट्यूब पे लोग हैं, वहाँ वीडियो आप देख लीजिएगा। हाँ, इसमें कुछ विहित कर्म हैं उनको जरूर अपनाना चाहिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट ज्योतिष के नजरिए से बात करूंगा, शास्त्रीय नजरिए से बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि भाग्य की एनर्जी पूर्व जन्म के सुंदर कर्मों की प्राप्ति आपको हो, जो आपकी FD है वो टूट जाए और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए। आप अपने पिता नहीं, पितामह, क्या पितामह या पितामह से ऊपर लोगों का तर्पण करिए, ठीक। डेफिनेटली जो एनर्जी आपकी रुक रही है यहीं पे रुक रही है, बाबा से ऊपर के लोगों की। हो सकता है
उनकी फोटो भी आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। पहले फोटो वोटो इतना हुआ नहीं करती थी, आज के ज़माने में जितनी तेज़ी से फोटो हम खींचते हैं उतनी तेज़ी से डिलीट भी होती है। पहले एक फोटो मिलने में 1 हफ्ते लगते थे, तो उसको 10-20 साल सजो के रखते थे। आजकल 1 सेकंड में क्लिक होती है और वो 4 से 10 घंटे या 1 हफ्ते में गायब भी हो जाती है। प्रकृति का नियम है, जो जितनी गति से आएगा उतनी गति से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं आपका व्यक्तित्व का विकास हो, क्या व्यक्तित्व का विकास हो, आपका ओरा बढ़े, कुछ नहीं करना। आपके यहाँ देखिए जो परंपराएं बनी थी उस परंपराओं का निर्वहन करना। आपके पिता अगर चप्पल उतार के खाते थे, चप्पल उतार के खाना शुरू कर दो, बैठ के खाते थे, बैठ के खाना। ट्रेडिशन को फॉलो करो आपकी परंपराओं का, डेफिनेटली आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आप करके देखिए, किसी और के लिए हो सकता है कि वो फैशन करना, चेयर पे बैठना, जो भी, मैं नहीं कहता सिर्फ खाने की बात है। आपका परिवार का जो परंपरा में चल रहा चीजें हैं उनको आप फॉलो करना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। आप चाहते हैं आपका एजुकेशन अच्छा हो, आपकी संतान अच्छी हो, आप पता करिए नई पीढ़ी में किन बच्चों का, या जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो काल के गाल में समा गए हैं, जो बड़े हो ही नहीं पाए, वो हो सकता है पूरे परिवार में 1-2 लोग हों, परमात्मा ना करे इस तरह की दुर्घटना किसी परिवार में घटे, बट ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना, ऐसे लोगों के लिए, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, छोटे बच्चे हो सकते हैं जिनके पिता नहीं है, उनके श्राद्ध के लिए आप क्या कर्मा कर सकते हैं, उनका श्राद्ध बेहतर ढंग से जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास अवश्य करिएगा। आपका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बेहतर होंगे, तीनों बेहतर होंगे। आपके पास पहला काम करिए, पितरों के जितनी फोटो हैं, बाबा या बाबा से ऊपर के लोगों को एक फ्रेम में लगवाइए, उनको प्रॉपर तरीके से कहीं निश्चित स्थान पर रखवाइए, वहां पे फूल माला 15 दिन जरूर चढ़ाइए। उसके बाद भी ध्यान दीजिए चढ़ती रहे, चढ़ती रहे मतलब प्लास्टिक करो तो नहीं चढ़ा सकते, प्लास्टिक का चढ़ा दीजिएगा। अमावस्या को धूप अगरबत्ती और खाना देते रहिए, मतलब अर्पित करते रहिए। इन 15 दिन में परंपराओं का ध्यान रखिए, क्या क्या आपके परिवार में किसको दान दिया जाता रहा है उनको दान दीजिए। अगर आपके परंपरा में किसी पुरोहित को या किसी व्यक्ति को बुला के खिलाने की परंपरा ही रही है, उसको पालन करिए। आप अपने पात्र को खाली करिए, परमात्मा पात्र भरने के लिए तैयार है, बट आपका पात्र खाली ही नहीं है, तो खाली करिए। मैं मौन हूं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं भीतर गया, मैं तर गया। मौन की भाषा सुनिए, बहुत मजेदार भाषा है। तो पितरों के तर्पण करना, पितरों को श्राद्ध देना, पितरों के निमित्त दीपक लगाना, क्या दीपक लगाना, पितरों के लिए यज्ञ करना, पितरों के नाम से दान करना, पितरों के नाम से सेवा करना, पितरों के नाम से वृक्ष या पौधे लगाना, श्रेष्ठ परिणाम देगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। तो अवश्य करिएगा, एक बरगद का पौधा लगा सकते हैं तो लगाइएगा। जैसे जैसे वो विकसित होगा ना, वैसे वैसे आपके भाग्य की एनर्जी विकसित होना शुरू हो जाएगी, विकास प्राप्त करेंगे, जीवन में गति प्राप्त करेंगे। छोटी सी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगे तो कर लीजिएगा, नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिएगा। राधे।